The line that draws power supply to your house from street has. तो जो पावर सप्लाई हमारे घर में आ रही है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो कम्बिनेशन आ रहा है, उसके बारे में हमसे यहां पे पूछ रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है दैट द करंट हैज जीरो एवरेज. यस, तो हमें पता है कि एक साइकिल के ऊपर जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज जीरो. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज. नो दिस इज रॉन्ग. जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है उसकी जो 220 वोल्ट है वो आरएमएस सप्लाई है. सो इट इज नॉट द एवरेज वोल्टेज. सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी. इस ऑप्शन सी में कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि जो 90 डिग्री का फेज है वो तभी पॉसिबल है जब प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो. क्योंकि जो सप्लाई हमारे घरों तक आ रही है दैट इज थ्रू वायर्स एंड दे डेफिनेटली हैव सम रेजिस्टेंस. तो 90 डिग्री फेज की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. सो वोल्टेज एंड करंट है, सो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज होगा, पर 90 डिग्री नहीं होगा, वो 90 डिग्री से कम ही होगा. कैसे? हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से ये जानते हैं कि जो टेंजेंट फाई है दैट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर. तो आर तो जीरो कभी भी नहीं होगा, क्लियर. और एक्सएल और एक्सी दोनों सेम हो जाएं तो उस सिचुएशन में भी फाई जीरो होगा, फाई 90 डिग्री नहीं होगा. तो फाई 90 डिग्री तभी होगा जब आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रैक्टिकली वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. डी ऑप्शन में कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग इन फेज फाई सच दैट फाई इज लेस देन पाई बाय 2. तो आप यहां से देखिए एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाएं, क्लियर, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है. तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे घरों के अंदर कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड्स रहेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी फॉर आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो फाई की वैल्यू आएगी दैट मस्ट डेफिनेटली बी लेस देन पाई बाय 2. सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दिस ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट.